हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप भी PNR नंबर से टिकट को प्रिंट करना चाहते हैं, टिकट को निकाल के किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ दूसरी जगह पर हूँ और मैं टिकट जो यहाँ से स्टेशन से बुक किया हूँ, स्टेशन से कटाया हूँ, उसका जो PNR नंबर होता है और दूसरे को भेजना होता है, तो गाइज हम डाउनलोड करके आसानी से भेज सकते हैं। ओनली PNR नंबर से टिकट डाउनलोड करके भेज सकते हैं। वो क्या है ट्रिक, इस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। तो गाइस लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल से अगर निकालना चाहते हैं तो मोबाइल में अपना क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को मोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पर बता रहा हूँ, तो मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन में अपना क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद से गाइस क्या करना है, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है makemytrip.com। देख सकते हैं गाइस, ये जो makemytrip.com ये आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ, मेक माई ट्रिप ऑफिशियल साइट, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है यहाँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ बहुत सारा ऊपर ऑप्शन देखने को ये मिल जाता है, फ्लाइट, होटल्स, होम स्टे, लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए ट्रेन का, ठीक है। ये ट्रेन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस हम यहाँ ट्रेन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मिल जाता है बुक ट्रेन टिकट, चेक PNR स्टेटस, लाइव ट्रेन स्टेटस। यहाँ से आपको सब कुछ देख सकते हैं, बुक ट्रेन भी टिकट कर सकते हैं और चेक PNR स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आपको PNR स्टेटस मतलब PNR से आप टिकट डाउनलोड करना चाहते हैं तो PNR स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद से गाइस यहां देखने के लिए मिल जाएगा PNR 10 डिजिट, आपको यहां जो डिजिट होगा PNR का 10 डिजिट आपको यहां डालना होता है। उसके बाद से दोस्तों यहां 10 डिजिट आपको डालने के बाद यहां जो PNR होता है यहां डालने के बाद यहां चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। चेक स्टेटस पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो गाइस यहां देख सकते हैं ट्रेन नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, ट्रेन नंबर और नाम यहां देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ जर्नी का डेट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ करंट स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं चार्ट प्रीपेड, अगर आपका चार्ट बन गया होगा तो यहाँ चार्ट प्रीपेड में यस दिखाई देगा, नहीं बना होगा तो नो दिखाई देगा। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पैसेंजर जो है फर्स्ट पैसेंजर पे कन्फर्म जो हुआ है सीट यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से आपको अगर इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, वरना आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ सेव एज PDF वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेव कर लेना है। अगर आप मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में भी आपको इसी प्रकार से सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप आसानी से PNR नंबर से किसी भी टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर ले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।